मेडिकल साइंस काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। हिसार में इसी प्रकार का एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। 3 दिन के नवजात शिशु का दूरबीन से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। दरअसल नवजात शिशु की खाने की नली विकसित नहीं हुई थी। हिसार के डॉक्टर राजन गर्ग और डॉक्टर राजेश कुमार की टीम ने इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। जानकारी के मुताबिक भिवानी जिले के एक दंपत्ति के नवजात शिशु के खाने की नली बंद होने के चलते उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। उसे ठीक करने के बाद डॉक्टरों ने सफलता हासिल की। हमने जो ऑपरेशन किया उसमें एक बच्चा है 3 दिन का, खाने की नली नहीं बनी हुई और वो सांस की नली से जुड़ी हुई है। कुछ हिस्सा खाने की नली का बना है और कुछ उसके बाद कुछ गायब है। नीचे वाला जो हिस्सा है सांस की नली का, वो खाने की नली से जुड़ा है। बच्चे को पहले ही निमोनिया था और उसको चीरा लगा के पहले ऑपरेशन किया जाता था। खास बात ये थी कि हमने उसको दूरबीन से किया। दूरबीन से ऑपरेशन करने का मतलब है कि उसको बच्चे को टांके कम आएंगे, उसको चीरा छोटा लगेगा, ऑपरेशन के बाद रिकवरी उतनी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी बच्चे की, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यही हमने ऑपरेशन किया। साथ ही ये बाहर के देशों में, कुछ देशों में आप मानेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कुछ कंट्रीज़ में ये ऑपरेशन दूरबीन के साथ हो रहा है। पिछले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर शुरू हुए हैं वहाँ पे होने। इंडिया में ये ऑपरेशन केवल पीजीआई चंडीगढ़ में एक डॉक्टर साहब हैं वो कर रहे हैं, और पूरे इंडिया में आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं और चेन्नई, कलकत्ता, कहीं भी जाएंगे इस तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो हमने यही ऑपरेशन किया। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ती है हमारे को, ये बड़े शहरों के मुकाबले 3rd से 4th हिस्सा पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि आप लोग डॉक्टर से सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, आपको आराम से बात कर सकते हैं, और यहाँ पे मरीज़ अपने घर के बहुत पास रहता है।